निकले तो थे एडवेंचर और थ्रिल का फील लेने, पर पता नहीं था उन रास्तों में हमें जन्नत के दर्शन भी होंगे। आज तक कश्मीर को जन्नत कहते हुए सुना था, आज हम और आप दोनों देखेंगे। सबने कहा कश्मीर में डल लेक जरूर जाना, तो बस पहुंच गए हम डल लेक के बोट हाउस पे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बोट हाउस को देख लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाउस बोट श्रीनगर डल लेक। एंड अभी सुबह यानी कि मतलब दोपहर प्रिसाइजली कहूँ तो 11 बज रहे हैं एंड हम लोग सारे लोग तैयार हैं। सारा सामान यहाँ पे आ चुका है, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं किसका, शिकारा का। वो जो आप अगर यहाँ से अगर दिख रहा हो तो वो जो बोट दिख रहा है आपको, उसका अपन वेट कर रहे हैं। एंड जैसे ही बोट आएगा हम लोग जाएंगे डल लेक का पूरा चक्कर मारने के लिए, घूमने के लिए आधा एक घंटा घूमेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कारगिल के लिए आज निकल जाएंगे। बाकी अभी धूप है, गर्मी भी हो रही है श्रीनगर में, एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी गर्मी होगी, बट ठीक है गर्मी है तो भी ठीक है, अपन घूमेंगे एंजॉय। एंड इधर का जो बोट हाउस है ये लग्जरियस वाला बोट हाउस है, मतलब अगर आपको इकोनॉमी वाला लेना है, इकोनॉमी वाला पीछे साइड में है तो वो थोड़ा बैक साइड में है। आपको ये वाला फील जो है, ये फील नहीं आने वाला है। तो इसके लिए जो आपको 2500 से 2000 से 2500 रुपया तक आपको देना पड़ेगा एक रूम का। रूम आपको मैंने दिखा दिया, नहीं दिखाया तो फिर से भी दिखाते हैं। जब खत्म हुआ और दिमाग ठंडा हुआ तो हम निकल पड़े शिकारा पे डल लेक की सैर करने। ये बोट वाला आइसक्रीम, चलता फिरता आइसक्रीम का दुकान देखे थे, ठेला वाला देखे थे, बनियावाची सब कर रहे हैं क्या? 3 माह समय चढ़ता फिरता चलता फिरता लल्ला आइसक्रीम आया रे, लल्ला आइसक्रीम आया। ये सब्जी भी बिक रहा है, आलू ले लो, प्याज ले लो। ये जो है ये पूरा हॉल है, ये आंटी जी फूजी फिल्म्स में मॉडल, और ये आई गेस डाइनिंग टेबल है, और ये हॉल है छोटा सा। ये चेयर भी काफ़ी मज़ेदार है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। यहाँ से जो है इंटर होता है, हर तरफ एक एक गेट है रूम के लिए। सो हमारा जो रूम है सबसे लास्ट में है, ये रूम जो है हमारा है, मतलब था आज चला गया। ये वॉशरूम है, बाथिंग टब, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये निखिल कुमार का रूम है, कूलर भी है इसके रूम में, मेरे रूम में कूलर नहीं था। एंड ये मेरा हेलमेट है जो कि लेना मुझे बहुत ज़रूरी है, और ये हम है। बट रिस्की है तो थोड़ा संभल कर, और होता भी क्यों नहीं, हम 5 लोग और इतना सारा सामान एक बोट पे। और सुनिए, नज़ारे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट या सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम निकल चुके हैं शिकारा राइड के लिए। एंड ये विभिन्न प्रकार के बोट हाउस है यहाँ पे, लेकिन हमें सबसे महंगा वाला मिला था। केसर आया रे। हजार दफा इसको दोनों पानी, हजार दफा धोने के एकदम ओरिजिनल केसर है भाई। हाँ बोलो भैया,
कश्मीरी गुल बदन बोट से ही मार्केट आ रहा है पूरा, एकदम मार्केट में क्या आ रही है एकदम मजा। हॉट चॉकलेट से कोल्ड कॉफी है, चलते चलते कुछ खाएगा पिएगा नहीं, फिर कैसा मजा है। डिफरेंट आइटम अभी दिखाऊंगा आपको भाई, सोते हुए कहीं नीचे से कोई मछली ना डूब गए। कॉफी से ले निकल लल्ला लल्ला ले, मैं देख लूंगा फ्रूट आया रे, लल्ला लल्ला ले फ्रूट आया रे। तो ये जितना भी है ये बोट मार्केट है, ये वो है जितना भी आपको दिख रहा है ये मार्केट है, इस साइड पूरा मार्केट है। एंड भैया और ऋतिक जो है इस वाले मार्केट में गए हुए हैं। एंड यहाँ पे अपन पार्किंग एरिया ये वाला, और अपन पैंचर और पॉपकॉर्न अभी खाएंगे। एंड गर्मी की अपडेट कुछ ऐसे है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, लेकिन क्या करें घूमने की वजह से अपन इस गर्मी में तड़प रहे हैं एकदम। घूमना नहीं होता तो पक्का अपन बैठ जाते कहीं जाकर। सो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी है कि यहाँ पे बैठने की हिम्मत अब नहीं हो रही है, क्योंकि फोटो खिंचवाने की वजह से हमें बैठना पड़ रहा था। एंड भैया लोग अभी मार्केटिंग गए हुए, दोबारा यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सिकारा है ये हमें पड़ा है टोटल 1000 में, पिक एंड ड्रॉप एंड ये घुमाने का 1000 टोटल। भालू आया रे। सो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग पूरा शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, अपने भी कपड़े वपड़े जो भी शॉपिंग किया गया आइटम वो सब। जावेद भैया से जरूर बोट करना, बेस्ट सर्विस है एकदम। कॉम्प्लीमेंट्री चाय है, कॉफी और चाय कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल सकती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कपड़े का सॉल वॉल का है, जैकेट वैकेट का है, एंड एक मीना बाजार है जहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हो। एंड ये हमारे मछुआरे एक ठो नए आए हुए हैं, he is enjoying his moment। और अभी कुछ देर में हम लोग पार्किंग बस पहुंच जाएंगे। पार्किंग बस पहुंचने के बाद अपन जल्दी से गेट अप होंगे, निकलेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना है, क्योंकि अभी तो कुछ खाया नहीं है। तो अभी मे बी ब्रंच हो हमारा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही कुछ खाया जाएगा। धूप में एंड बाइक वहां से आ रही है, यहां पे रहेगी, उसका भी सारा सामान लोड करेंगे, उसके बाद जो है यहां से अपन निकल जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम लेवल का धूप है और हम लोग बीच में खड़े हैं क्योंकि हमें सामान लोड करना है। डल लेक का यही कुछ कहानी था, हमने सोचा था कि एक ब्लॉग पूरा बनाया जाए सिर्फ डल लेक का, तो यही वो ब्लॉग है। ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर होती है क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से जो होगा 10-15 मिनट नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत होगी, जो कि श्रीनगर टू कारगिल का ब्लॉग होगा। मे बी लेह का भी ब्लॉग हो सकता है वो, श्रीनगर टू लेह, अगर टाइम मिला तो लेह भी हम लोग कवर अप कर लेंगे अगले वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एपिक शॉर्ट्स अभी और आने वाले हैं। बाकी इस तरह के धूप में और बोला नहीं जा रहा है, मिलता है आपसे अगले वाले ब्लॉग में। थैंक यू। बाइक्स आ चुकी हैं सारी, अभी एक और निकल लेने गया। ओ भाई बीच से आराम से आना, आराम से आना, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, बीच से, बीच से आओ, बीच से, बीच से आओ। धुआं देखो, धुआं, 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 आहो, बीच से।